हाय व्यूवर्स, आई एम कुंदन गोस्वामी, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर फ्रॉम स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मेरे दो जो पिछली वीडियोज़ थी वो देख ली? अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि वो बेसिक लेवल है स्टार्टिंग के लिए। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया है, और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि एस और ई एस है। तो इसके अंदर फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो दोनों देखें, ये हमारी तीसरी वीडियो है। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और आप अच्छे से सीखते रहें। इसके अंदर मैं बेसिक से एडवांस सारे आपको वीडियो डिलीवर करूँगा अपने चैनल पर, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएँ। उनसे बोलें कि शेयर करें अपने भी दोस्तों में और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये मैं बता देता हूँ होते क्या हैं, कि हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। हर सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, आप में से काफ़ी लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पता है। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, और ये आज के ही क्लास में फिनिश भी हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आज आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है। देखिए, कभी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना हो तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए कौन लगा दो आप, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हु लगा दोगे तो उससे आपका सब्जेक्ट पता लग जाएगा। और प्रेडिकेट पहचानना हो तो व्हाट लगा दो, व्हाट का मतलब क्या, तो क्या जैसे लगाएंगे आप सेंटेंस में तो वो आपका प्रेडिकेट पता लग जाएगा। तो इसमें देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये सेंटेंस के दो पार्ट हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लिखा है आई रीड। आई रीड का मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ। सपोज करो अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो भी बात बराबर थी। मैंने यहाँ पे इसीलिए इसे कॉलम में डिवाइडेड कर रखा है, एक है सब्जेक्ट का और एक है प्रेडिकेट का। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे लिखा आई और प्रेडिकेट में लिखा रीड। हु रीड, मैं आपसे पूछता हूँ हु रीड, तो आपका आंसर आएगा आई रीड। आई तो कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तो इसलिए इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट है, आई इज अ सब्जेक्ट। और यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, रीड। तो रीड एक वर्ब भी है और प्रेडिकेट भी है सेंटेंस के अंदर। ऐसे दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है जिसमें लिखा है दे आर टॉकिंग, तो इसमें कौन बात कर रहा है, वे, तो दे क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। आर टॉकिंग क्या है इसके अंदर, प्रेडिकेट है। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के कॉलम में मैंने लिख दिया, और यहाँ पे देखिए जो प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट के कॉलम में। फिर तीसरे एग्जांपल में आप थर्ड वाले में देखेंगे, इसमें लिखा है द बॉयज आर सिंगिंग अ सॉन्ग। द बॉयज आर सिंगिंग अ सॉन्ग इट इज अ फुल सेंटेंस, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। और इसमें आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो क्या, द बॉयज है, और इसमें जो प्रेडिकेट है वो क्या है, आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वाले कॉलम में हमने द बॉयज लिख दिया और प्रेडिकेट में यहाँ पे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस देखेंगे जिसमें कि है द स्मॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल डांसेस। द स्मॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल डांसेस, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें छोटी और सुंदर लड़की नाचती है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द स्मॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, और प्रेडिकेट क्या है, डांसेस। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगल वर्ड का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आई सिंगल वर्ड है, दे है, फिर द बॉयज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब द स्मॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, कौन नाचता है, द स्मॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे जो गर्ल है, यहाँ पे द स्मॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल है, ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है। इसी तरीके से प्रेडिकेट भी है, कि प्रेडिकेट भी एक सिंगल वर्ड का हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपके सामने कैसा भी सेंटेंस आए तो आपको यही फॉलो करना है, क्योंकि हर सेंटेंस के दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए आप हु लगाइए,
और प्रीडिकेट पहचानने के लिए वट लगाइए। इससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रीडिकेट क्या है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इसको दोबारा से रीप्ले करके देखें, बैक जा करके इसे रिपीट करें, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करें। लेकिन इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास करें और उनसे भी कहें चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी नॉलेज मिलेगी। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।